Hi everyone, a very warm welcome to all of you to Tandon Classes. This is Yashika Tandon presenting you a very important course जिसमें हम 2019 के जितने भी आपके important current affairs हैं और 2020 के जो भी आपके examinations में आ सकते हैं SSC, SSC CGL 2019 में वो complete करने वाले हैं. Quick bites होंगी, just 5 minute में पूरे chapters एक एक करके कंप्लीट करूंगी. सबसे पहले दिसंबर मंथ की समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस देखिए. सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट समिट है, वो है आपकी फोर्थ इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट 2019. ये कहाँ पर हुई आपको पता होना चाहिए. ये न्यू दिल्ली में हुई, विजय भवन में हुई, उसके बाद यहाँ पे विज्ञान भवन. उसके बाद यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, ये किसके द्वारा एड्रेस की गई, वो है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति श्री गजेंद्र सिंह के द्वारा. आपको पूछा जा सकता है बकायदा कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, गवर्नर के, किसके द्वारा की गई. फाइन, आपको पता होना चाहिए. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर इसका थीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. थीम चेंज करके ऑप्शंस में दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन सा थीम हो सकता है. तो याद रखना, वैल्यूइंग वाटर ट्रांसफॉर्मिंग गंगा. ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, 17th इंडियन यूरोपियन यूनियन समिट फॉर द ईयर 2020. ये कहाँ पर हुई, ये ब्रुसेल बेल्जियम में हुई. यहाँ पर आपसे आपको दोनों ऑप्शन देखने में मिलेंगे, बेल्जियम भी देखने को मिल सकता है, ब्रुसेल्स भी देखने को मिल सकता है. तो आपको याद रखना है बेल्जियम में हुई, तो हुई कहाँ पर. फाइन, उसके बाद यहाँ पर हमारे लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये किसके द्वारा जो है आपके कौन से पॉलिटिशियन के द्वारा अटेंड की गई है ना. तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये अटेंड की गई, यूरोपियन काउंसिल चार्ल्स माइकल ने इनवाइट किया था. अब ये समिट क्यों हुई, क्योंकि यूरोपियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अच्छा करना था. फाइन, नेक्स्ट देखिएगा, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ आर्ट जो है ये ढाका बांग्लादेश में हुई. इसके बारे में इतना ही आपको जाना है. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी आती है कॉन्फ्रेंस जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये जो आपकी हुई है ये जम्मू में हुई है. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनकी तस्वीर देख के आपको पता लग गया होगा, इनके द्वारा एड्रेस हुई है जो है हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट. अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, एग्जाम में आ सकता है कि इस कॉन्फ्रेंस में, दो डे कॉन्फ्रेंस में एक भारत श्रेष्ठ भारत दो चीजों पे फोकस किया, जल शक्ति एंड डिजास्टर मैनेजमेंट. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के द्वारा तो एड्रेस की गई थी. और कौन कौन सी गवर्नमेंट इसमें इंक्लूड थी, तमिलनाडु की एंड जम्मू कश्मीर की. फाइन, तो ये भी आपको याद रखना है. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस आती है, या समिट कह सकते हैं, सेकेंड एडिशन ऑफ द स्टार्टअप इंडिया ग्लोबल वेंचर कैपिटल समिट. ये कहाँ पर हुई है, ये गोवा में हुई है. अब इसके बारे में आपको और क्या याद रखना है, इसका थीम जिसका नेम है इंडिया अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टिंग इन टुमोरो टुगेदर. प्लीज़ रिमेंबर दैट थीम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थीम अगर आप याद नहीं रखोगे तो ऑप्शंस में गलती कराओगे, क्योंकि जो थीम्स होते हैं वो काफ़ी एक साथ रिलेटेड होते हैं. तो आपको थीम याद रखना है, यू कैन मेक शॉर्ट नोट्स ऑल्सो. नेक्स्ट देखते हैं, अगली बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास आती है, पैसिफिक एयरफोर्स चीफ कॉन्फ्रेंस यानी कि पैक्स 2019. ये कहाँ पर हुई है, ये हुई है हवाई यूनाइटेड स्टेट्स. अब यहाँ पर इसका थीम क्या था, इसका थीम जो रखा गया था वो रखा गया था कोलैबोरेटिव अप्रोच टूवर्ड्स रीजनल सिक्योरिटी. नेक्स्ट देखिएगा, अगली बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हमारे पास आती है, जियो स्मार्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस 2019, जो कहाँ पर हुई, तेलंगाना में हुई. और कहाँ पे हुई, हैदराबाद. थीम क्या रखा गया, इग्नाइट इनोवेट इंटीग्रेट या इनोवेट को चेंज कर दिया जाएगा और ऑप्शंस में आपसे पूछ लिया जाएगा जी क्या यहाँ पर जियो समिट इंडिया कॉन्फ्रेंस 2019 का थीम रहा था. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है, 25th यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ये हुई माद्रिद स्पेन. और अगर हम बात करते हैं, इसको बोला भी जाता है 24th कॉन्फ्रेंस नोन है COP24, हेल्ड इन कोटवा पोलैंड. ठीक है, कोटवा इज पोलैंड. तो आपको याद रखना है ये कॉन्फ्रेंस का सेकंड नेम क्या है, दोनों नेम आपसे क्वेश्चंस में आपको देखे जा सकते हैं. सेकेंडली आपको पता होना है कहाँ पर हुई है, पोलैंड में हुई है. नेक्स्ट देखिएगा, न्यू दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेज हुई, तो मैंने उनको एक साथ ही रख दिया है. सबसे पहली कॉन्फ्रेंस का नेम है फोर्थ इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट 2019, जो अभी आपको बताकर रहती हूँ, थीम वैल्यूइंग वाटर ट्रांसफॉर्मिंग गंगा. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आई 36th इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पर हुई, इसका जो थीम है आपको पता लग जाए, ये तो पता लग गया कि कहाँ पर हुई है, न्यू दिल्ली में. थीम आपको याद रखना है, जियो साइंस द बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. थीम क्या रखा गया, जियो साइंस द बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट.
अगला देखिएगा FICCA Arise Conference 2019, ये कहाँ पर हुई? ये हुई आपकी न्यू दिल्ली में. अगेन थीम क्या रखा गया? फ्यूचर रेडी लर्नर्स एंड स्कूल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ, अब यहाँ पर देखो आपके सामने एक पूरी एक लेबोरेशन से ये लिखा हुआ है. आपको लगता होगा कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट? इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है. नहीं, ऐसी फुल फॉर्म नहीं पूछी जाती. ज़्यादातर जो फुल फॉर्म्स होती हैं वो तब पूछी जाती हैं जब या तो कोई थीम में रिलेटेड हो या कभी आपके पास कोई ऐसी मेन कोई जैसे कोई इम्प्लीमेंट जैसे गवर्नमेंट स्कीम इम्प्लीमेंट हुई उनकी थीम पूछी जाती है. तो इसके बारे में टेंशन मत लो. जस्ट इतना इसे याद रखो कि ये थी, ये आपकी कॉन्फ्रेंस थी जो जो न्यू दिल्ली में हुई. सेकंड, इसका थीम क्या रखा गया? न्यू इंडिया एस्पायरिंग फॉर $5 trillion, ठीक है, जिसमें $5 trillion इकोनॉमी को लेने के लिए आपका काम किया जा रहा है. नेक्स्ट आपका देखेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट, इसके बारे में डिटेल जरूर पढ़ लेना. G20 समिट फॉर 2020, ये आपकी हुई रियाद सऊदी अरेबिया में. अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसका थीम क्या रखा गया? रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ द 21st century फॉर ऑल. रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ द 21st century फॉर ऑल. उसके बाद 27th नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस 2019 हुई, जिसका पर्टिकुलरली आपका केरला में हुई है, तिरुवनंतपुरम में, ठीक है. उसके बाद यहाँ पर थीम क्या रखा गया? साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर अ क्लीन ग्रीन इंडस ग्रीन हेल्दी नेशन. तो यहाँ पर ये सारी की सारी जो थीम्स हैं आपको याद रखने हैं. थीम्स कॉन्फ्रेंसेज, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. अगर आप थीम्स याद रख लो तो बहुत इंपॉर्टेंट है. जस्ट करना क्या है, आपको ये याद रखना है कि ये कॉन्फ्रेंस हुई थी. 7-8-9 कॉन्फ्रेंसेज हैं जो आपको याद रखनी है. इसी में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा. SSC बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है कॉन्फ्रेंसेज के ऊपर. सबसे पहला ये पूछ लेगी थीम कौन सा है, सेकेंड ये पूछ लेगी कहाँ पर है और किसके द्वारा एड्रेस की. दैट्स इट. आपसे कोई डीप में पूछा नहीं जाता किस लिए हुई थी, कैसे हुई थी. नो, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत उम्दा क्वेश्चन होते हैं और ईजिली आप 2 marks ग्रैप कर सकते हो. सो थैंक यू वेरी मच. आई होप इतनी स्पीड आपको अच्छी लगी हो. स्पीड अप इसलिए क्योंकि क्विक बाइट्स हैं, जल्दी से समझ आएगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा. जल्दी जल्दी सारे चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट करेंगे. थैंक यू वेरी मच. हैव अ ग्रेट डे. डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर कर लीजिएगा. सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को.